गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था येलो बटरफ्लाई, जिसमें हमने पढ़ा था कि सोनू के गार्डन में एक येलो कलर की बटरफ्लाई होती है जो इधर उधर घूम रही होती है। तो वो बटरफ्लाई जो थी कभी रोज़ के फ्लावर के ऊपर बैठती है और कभी वहाँ पे गार्डन में एक पॉन्ड होता है वहाँ चली जाती है। तो सोनू जो है वो उसका पीछा कर रहा होता है ताकि वो किसी तरह से बटरफ्लाई को पकड़े, लेकिन बटरफ्लाई जो है वो उड़ के चली जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे फिर क्या होता है। सोनू जंप डाउन टू ही चेस द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई। सोनू जो है वो जब क्या बोलते हैं उसका पीछा करता है बटरफ्लाई का, फिर वो देखती है कि कभी जो बटरफ्लाई है रोज़ के फ्लावर के ऊपर तो कभी लोटस के फ्लावर के ऊपर, कभी पीच के ट्री के ऊपर, लेकिन वो किसी तरीके से भी बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाता है। अब वो इधर उधर देखता है तो उसे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। एट लास्ट फाइनली क्या होता है कि उसे बटरफ्लाई दिख जाती है। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब इन द पीच ट्री। स्पाइडर वेब होता है मकड़ी का जाला। इन द पीच ट्री, पीच ट्री के ऊपर एक मकड़ी का बहुत बड़ा जाला लगा होता है। तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब, और जो तितली होती है बटरफ्लाई होती है वो स्पाइडर के वेब में फंस जाती है। इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, इट फ्लोटेड इट विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, बट इट कुड नॉट एस्केप, द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट। अब जो तितली है वो बहुत ही फड़फड़ाती है क्योंकि वो ये देखिए जैसे ये है ना, इस जाले में मकड़ी जो है वो बुरी तरह से फंस जाती है। अब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं निकल पाती है। पुअर बटरफ्लाई इन द मिडल ऑफ द वेब, अब वो जब वो बीच में फंस जाती है जाले में, वेब होता है जाला, वॉज अ बिग स्पाइडर, एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखती है। इट लुक्ड हंग्री, वो बहुत ही भूखी दिखती है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो चाहती है कि वो उस बटरफ्लाई को कैच कर ले। क्लोजर एंड क्लोजर क्लाउड एंड द ब्राउन स्पाइडर, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई। अब जो स्पाइडर है वो धीरे धीरे करके उस बटरफ्लाई के पास आती है। किस बटरफ्लाई के पास? जो उस जाले में फंस गई होती है। जैसे ये आपको दिख रही है ना बटरफ्लाई, ये इस जाले के अंदर फंस गई है। अब ये जो स्पाइडर है ये हंग्री होती है, यानी कि ये भूखी होती है, ये चाहती है कि ये इसके पास आए और वो स्पाइडर जो है ये इसको खा जाए। लेकिन जब सोनू देखता है, सोनू फटाफट से देखता है और भाग कर बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। इट वॉज सो प्रीटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई। फाइनली क्या होता है, सोनू जो है वो पकड़ लेता है उस बटरफ्लाई को, और जब वो देखता है कि वो बहुत ही प्यारी है और उसके जो विंग्स होते हैं यानी कि जो उसके पंख होते हैं उसमें येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं, धब्बे छोटे छोटे से कलर के वो लगे होते हैं, तो वो सोनू जो है वो बहुत ही खुश होता है और वो उसको बहुत ही प्यारी लगती है। But it looked sad in Sonu's hand. Sonu wanted it to be happy. Go, said Sonu, fly away. He let the butterfly go. It sat on the red rose. It flew on the peach tree and then sailed on the lotus leaf. It flew merrily from the flower to flower. अब वो सोनू उसको पकड़ के जो है, जब वो देखता है कि बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही सैड है, क्योंकि कोई भी मतलब कि जिसे हम कहते हैं बर्ड्स होंगे या कोई एनिमल होगा, जितना वो आज़ाद बाहर घूमेगा इतना उसको अगर हम कैद करेंगे वो उतना खुश नहीं होता है। तो सभी को अपनी अपनी जो है आज़ादी है वो प्यारी होती है, लेकिन जब सोनू उसको पकड़ लेता है तो वो बहुत ही क्या हो जाती है, सैड होती है। पहले वो बहुत हैप्पी होती है ना, कभी वो इधर घूम रही होती है कभी वो उधर घूम रही होती है, लेकिन जब सोनू उसको पकड़ लेता है वो बहुत ही सैड होती है। जब सोनू उसको देखता है कि इसका मूड जो है ये बहुत ही सैड हो गई है, तो वो समझ आता है कि मैंने इसे पकड़ा है ये बहुत ही सैड है। अब वो क्या करता है, वो एकदम से फ्लाई लेता है बटरफ्लाई को और उसको उड़ा देता है। गो फ्लाई अवे, अब सोनू कहता है कि जाओ उड़ जाओ। अब बटरफ्लाई जो है वो एकदम से भाग जाती है, एकदम से उड़ जाती है। कभी वो रेड रोज के ऊपर जाती है, कभी वो पीस ट्री पे चली जाती है, तो कभी वो लोटस लीफ पे चली जाती है। सोनू उसको देखता ही रहता है, वो फ्लाई एंड फ्लायर वो उड़ती ही रहती है। द बटरफ्लाई फ्लो ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन। अब बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही खुश होती है, वो फिर से सोनू के गार्डन के इर्द गिर्द घूमती है, अराउंड मतलब इधर उधर घूमती है, और वो बहुत ही खुश और आज़ाद होती है।
इसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे, एस्केप होता है बचना, पॉन्ड होता है, पॉन्ड होता है तालाब, पीच होता है एक फ्रूट होता है पीच मतलब आड़ू का, क्लिंब होता है ऊपर चढ़ना, कैच होता है पकड़ना, मिडल होता है बीच में, हंग्री भूख, फ्लोट मतलब तैरना, शॉट मतलब कि चिल्लाना, चेस फ्लूटर, ट्विस्ट, अब ट्विस्ट होता है टेढ़ा मेढ़ा, फ्लूटर होता है फड़फड़ाना। तो चलिए आपका ये लेसन खत्म हो गया हुआ है, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी।